दोस्तों आज बस थोड़ा सा ड्यूटी पर होने की वजह से मौका नहीं मिल सका था, लेकिन चूंकि कल एक पोस्ट डाली थी वजन के हवाले से कि आपका वजन कितना होना चाहिए, उससे बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे पेट की चर्बी, पेट की चर्बी के हवाले से। अच्छा, ये लोगों में अक्सर मिसकंसेप्शन होता है पेट की चर्बी के हवाले से कि शायद इसकी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है कि जिसके जरिए से आप अपना पेट कम कर लेते हैं या पेट की चर्बी को कम कर लेंगे। देखिए, इसको समझना जरूरी है कि चर्बी आती कहाँ से। ये चर्बी कहाँ से आती है कि जब भी आप 25-30 साल क्रॉस कर जाते हैं तो होता ही है कि आपका इंटरनल मेटाबॉलिज्म, जिस्म का कैलोरीज यूज करने का, आपकी उसको बर्न करने का सलाहियत, वो कम होती जाती है। तो आपका जो बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है। अब ये होगा कि आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी ताकत की कोई चीज, कोई भी कैलोरी इंटेक आप जितना ले रहे हैं और जितना कंज्यूम कर रहे हैं, इसका जो भी बैलेंस होगा कि आपका इंटेक ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो वो चीज एक्स्ट्रा सूरत, चर्बी की सूरत पहले पेट पे और फिर पूरे जिस्म पे जमा होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि वो जो एक्स्ट्रा चर्बी वो क्यों आ रही है कि आपका खाना ज्यादा है और खाने में भी ऐसी चीजें ज्यादा हैं जिनका मसल पे इतना इफेक्ट नहीं, फैट पे ज्यादा इफेक्ट है। और ये कौन सी चीजें होती हैं? चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई फैट, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर मोटापा लाती हैं। वो चीजें जो आपको तवानाई दें और मोटापा कम लाएं वो क्या हैं? फाइबर्स सबसे बेहतरीन और प्रोटीन्स उसके बाद। तो करना क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है हम अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं रखते, ना गिजा की ना फिजिकल एक्टिविटी की। तो पेट की चर्बी खत्म करने का तरीका क्या है कि कंजम्पशन बढ़ानी है, यानी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें एक्सरसाइज शामिल है, जिसमें वॉक शामिल है, आम जिंदगी के हालात में जिस कदर पैदल चल सकते हैं चलें, ताकि एक कंजम्पशन का लेवल बढ़ता जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। इनटेक को कम करना है, और खास तौर पे इनटेक में किन चीजों को कम करना है? जिसमें चिकनाई और चीनी है। अब आप खुद देखें आजकल नेट पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का ये एलिमेंट मालूम करना कि उसमें फैट कितनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितनी है, उसमें प्रोटीन कितनी है, उसमें फाइबर कितना है। तो आपकी गिजाएं ज्यादा वो होनी चाहिए जिसमें फाइबर ज्यादा हो, फैट और कार्बोहाइड्रेट कम हो, और फाइबर और प्रोटीन ज्यादा हो। उससे हटके जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सरसाइज मैंने जिक्र कर दिया, लाइफ को डिसिप्लिन करना, सोने का आपका एक टाइम हो, उठने का एक टाइम हो, अपने दिन के औकात में नाश्ता सबसे अच्छा हो, दोपहर का खाना दरमियाना हो, खाना बिल्कुल कम हो, रात का खाना बिल्कुल कम मिकदार में, और सोने से कम 1-2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। सुबह उठते साथ ही कोई चीज हल्की सी खा लेनी चाहिए, उसके बाद नाश्ता बहुत अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, जो कुछ भी करें, फिर खाना जो खाएं जितना भी खाते हैं उसको चिबा चिबा के खाएं, चिबा चिबा के आराम आराम से, और खाने की मकदार में वही हदीस का उसूल रहे, रूल ऑफ 1/3, एक तिहाई खाना, एक तिहाई पानी, एक तिहाई हवा, यानी एक तिहाई गजा, एक तिहाई पानी, एक तिहाई, तो पेट भरना नहीं चाहिए। तो ये चंद मोटी मोटी बातें हैं जो हर कॉमन सेंस, बस अब प्रॉब्लम क्या है, इसको अपने ऊपर अप्लाई करना। अप्लाई कैसे किया जाता है कि ऑडिट करना, अपना ऑडिट रखें। ऑडिट क्या है? आज के दिन आपने अपनी कमर की पैमाइश कर ली नाफ के लेवल पे कि वो कितनी है। अगले 15 दिन, 20 दिन, महीना, ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने कुछ किया अगले दिन वो कमर की पैमाइश कम होनी शुरू हो जाएगी। महीना अब आपने क्या ऑडिट किया, ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं कि गिजा में आपने क्या करना है, चीनी खत्म, कोल्ड ड्रिंक खत्म, मीठा खत्म, इतना के बस सिर्फ चखने की हद तक। एक अपने आप को खुद जज करना है कि आपके खाने की मिकदार में ये चीजें जो मोटापा लाती हैं इसको मैं इतना कम कर दूं, जितना अभी लेने हैं उसका आधा कर दिया, उसका 70% कम कर दिया। इसी तरह खाने में प्रोटीन फाइबर, और वो आप खुद अपने चॉइस से इंसान करता है, कोई लिख के आपको डाइट प्लान नहीं दे सकता, ये खाओ ये नहीं खाओ। उसमें सब्जियां जो आपको अच्छी लगती हैं, कच्चा चना हो गया, और बहुत सारी चीजें जिससे आप पेट भर पाते हैं, आपको तवानाई दे देती है। इन बिटवीन थोड़ा जायके की हद तक भी चीजें खा ली, लेकिन एक खुद ऑडिट किया कि पूरे महीने में मैंने अपना क्या प्लान किया कि सुबह नाश्ते में मैं क्या लूंगा, दोपहर के खाने में क्या लूंगा, रात के खाने में क्या लूंगा, और वो चीजें नहीं लूंगा जिसमें
फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हैं, बल्कि उनकी तरफ तवज्जो रखूंगा जो प्रोटीन और फाइबर वाली हैं। पूरा एक अपना प्लान किया, फिजिकल एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की, हफ्ते में कम से कम 5 दिन, फिर देखा एक महीने में आपका क्या फर्क पड़ा। बहुत से दोस्त कह रहे हैं हम बड़ी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, वजन कम नहीं होता। इसका मतलब है फिर आप अपने आप को ऑडिट नहीं करते। ऑडिट का मतलब है कि नहीं कम हुआ तो अब अगले स्टेप में और कुछ करना है, फिर भी नहीं हो रहा तो और कुछ करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, खाने में इन चीजों को कमी लानी है। और फिर इवन वो चावल और रोटी पे भी कम, कि चावल आप कम से कम खाएं, रोटी लाल आटे की खा लें और वो भी कम खाएं, ज्यादा पेट अपना डायरेक्ट प्रोटीन से और फाइबर से भर। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। वैसे इसके मेरे बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर्स यूट्यूब पे आप जाएंगे तो इस पे मौजूद हैं, मोटापे पे, वजन कम करने पे, उनके मैं लिंक्स इसके साथ कमेंट में भी शेयर कर दूंगा। तो ये उस बात का जवाब था, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते पेट की चर्बी कम करना, मोटापा कैसे कम करें। तो ये कंक्लूसिव जहन में रख लें, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी उस बैलेंस को कि कैलोरी इनटेक को कम करना है, कंजम्पशन को बढ़ाना है, और कैलोरी किन चीजों से ज्यादा लेनी है, प्रोटीन और फाइबर से। अब आपके सवाल होंगे प्रोटीन क्या है, फाइबर क्या है, वो आप नेट पे चीजों में देख सकते हैं, प्रोटीन वाली चीजें क्या क्या होती हैं, फाइबर वाली क्या क्या चीजें होती हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट वाली क्या होती है, उनसे बचना है और प्रोटीन फाइबर को अपनाना है। जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत आप लोगों का सुनने का, सुनते हैं, कनेक्ट होते हैं और